कुछ दिनों पहले मैंने अपनी इस वीडियो में अनस्टिच 3 पीस सूट शेयर किए थे, उसमें से ये वाला जो सूट है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ये मेरे पास स्टिच होने के लिए आया था, तो ये स्टिच हो जाने के बाद जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, वो इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो इसकी जो है ये कुर्ती स्ट्रेट कट में कुर्ती बनाई है और ये जॉर्जेट मटेरियल था। इसके जो है लंबे स्लीव्स बनाए हैं लेकिन स्लीव्स की चौड़ाई नहीं बन रही थी तो उसमें जॉइंट लगाना पड़ा था। बाकी तो नेक इसका गोल बना है और नीचे जो है इसके घेरे पर पैच था। बैक साइड पर गोल गले के साथ इसमें टक्स डाले हैं। बैक साइड की लंबाई इसकी जो है पूरी नहीं बन रही थी तो जो शलवार का पैच था जो हमें मिला था पैंट के लिए, उस पैच को जो है मैंने जॉइंट करके उसके दोनों ही हिस्सों को एक के ऊपर एक रख के कुछ इस तरीके से सिलाई लगा दी थी और इसकी लंबाई बढ़ाई है बैक साइड की मैंने। तो डार्क कलर होने की वजह से इसकी सिलाइयाँ भी छुप गई थी और बहुत ही खूबसूरती से जो है इसकी लंबाई भी बढ़ गई थी इसकी कुर्ती की, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 45 इंच की मुझे बनानी थी। ये इसकी सादी शलवार बनाई है, हल्का क्रेप का कपड़ा था तो 43 इंच की लंबी जो है इसकी शलवार तैयार की है। दूसरा वाला ये रेयन मटेरियल का सूट था, ये भी जो है साइज़ इनकी ज़्यादा लंबी है, स्ट्रेट कट कुर्ती बनाई है, 45 इंच की जो है लंबी कुर्ती थी। इसमें भी पीछे जो है टक्स लगाए थे ताकि फिटिंग अच्छी आ जाए और जो है ये इसकी शलवार बनाई थी, इसकी भी खुली ढीली शलवार बनाई थी 43 इंच की लंबाई में। उसके अलावा ये दो सूट मेरे थे, ये वाला सूट मैंने मार्केट से लिया था और इसका जो है फैब्रिक रेयन था, फुल एम्ब्रॉयडरी थी इसके ऊपर वाइट कलर की। तो मैंने इसके गले पर जो है सिर्फ कॉटन की जो है ये वाइट कलर में लेस लगा दी थी और स्लीव्स पर लगाई थी। 3-4 स्लीव्स बनाए थे इसके मैंने और 42 इंच लंबाई में इसकी जो है कुर्ती बनी थी और नीचे घेरे पर जो है इसके कपड़ा हमें पहले से लगा हुआ मिला था। बैक साइड इसकी सिंपल गोल गले के साथ तैयार की है, सादी सी इसकी जो है खुली शलवार बनाई है, रेयन मटेरियल में इसकी शलवार का कपड़ा था। उसके बाद जो ये वाला सूट है, ये सूट मुझे गिफ्ट में मिला था तो इसका जो है कलर कैमरे में उतना ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, सामने से ये काफ़ी अच्छा था। तो इसकी भी जो है मैंने XXL साइज़ में कुर्ती बनाई है, जैम कॉटन मटेरियल में था ये और स्लीव्स की लंबाई बढ़ाने के लिए जॉइंट लगा के लेस लगाई थी उसके ऊपर और सादी सी खुली जो है मैंने इसकी भी शलवार बनाई है। शलवार में कपड़ा ज़्यादा था तो नीचे से जो है इसके प्लेट्स लगा के इसकी शलवार को तैयार किया है मैंने और गोल्डन कलर की लेस लगाई है इसके पाइचों। ये कपड़े तो काफ़ी टाइम पहले तैयार हो चुके थे लेकिन वीडियो मैंने थोड़ा सा लेट डाली है, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो डालने में तो इसलिए मैंने अब डाली है वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।